खुशी होगा मुझे। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना कभी नहीं किसी ने किसी को ना किया होगा। प्यारे दोस्तों, अभी आपने जो छोटा सा क्लिप देखा वो किस मूवी का है? दोस्तों, जो जान गए हो उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ये फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का एक छोटा सा क्लिप था। दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे, क्योंकि दोस्तों 22 मार्च 1978 को रिलीज हुई थी ये मूवी, लगभग अब से 46 साल पहले। दोस्तों, हर फिल्म बनने के पीछे भी कई कहानियां होती हैं, उसकी मेकिंग की कहानी हम बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी घर पर, जहां पर फिल्म और मनोरंजन जगत की जानकारी आपको दी जाती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और सुनाते हैं इससे जुड़ा कुछ रोचक किस्सा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए सुनाते हैं इस फिल्म से जुड़ा रोचक किस्सा। दोस्तों, फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं जीना तमान, लेकिन जीना तमान से पहले राज कपूर ने इस फिल्म में काम करने के लिए डिंपल कपाड़िया, विद्या सिन्हा और हेमा मालिनी को भी अप्रोच किया था, पर चूंकि फिल्म का कंटेंट बेहद सेंसुअल था और हीरोइन को एक्सपोजर भी काफी करना था, यानी काफी कम कपड़े पहनने थे, इसलिए इन सभी एक्ट्रेसेस ने इस रोल को ठुकरा दिया। एक वक्त पर तो डायरेक्टर राज कपूर राजेश खन्ना को इस फिल्म में हीरो लेने की प्लानिंग कर रहे थे। राजेश खन्ना को ऑफर भिजवाने से पहले ही उन्होंने अपना मन बदल लिया और अपने छोटे भाई शशि कपूर को फिल्म के हीरो के तौर पर कास्ट कर लिया। दोस्तों, फिल्म की हीरोइन रूपा का किशोरावस्था वाला किरदार एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने निभाया और आगे चलकर पद्मिनी कोल्हापुरी ने राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में भी काम किया, लेकिन इस फिल्म में वो मुख्य हीरोइन थी। वैसे सत्यम शिवम सुंदरम में छोटी रूपा के रोल के लिए राज कपूर ने 100 से ज्यादा लड़कियों का ऑडिशन लिया था, लेकिन जब उन्होंने पहली दफा पद्मिनी कोल्हापुरी को तो फैसला कर लिया कि वो इसी लड़की को फिल्म लेंगे। दरअसल राज कपूर को उस वक्त लगा कि पद्मिनी के चेहरे में जीनत की झलक दिखाई देती है। वैसे इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी की कास्टिंग के बारे में एक और बात इंटरनेट पर मुझे पता चली। कुछ लोग कहते हैं कि पद्मिनी को कास्ट करने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब राज कपूर को लगा कि कहीं उन्होंने इस लड़की को साइन करके कोई गलती तो नहीं कर दी। उन्होंने पद्मिनी के बारे में अपने फैमिली ज्योतिष से बात की। जब ज्योतिष ने पद्मिनी के नाम की हरी झंडी दी, तब राज कपूर के मन में पैदा हुई शंका दूर हुई। राज कपूर की प्लानिंग थी कि वो फिल्म को डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के साथ बनाए, लेकिन जब उन दोनों से बात नहीं बनी तो दूसरा कलाकार तलाशने लगे। तब उनके बेटे रणधीर कपूर ने उनसे कहा कि जब हमारे घर में एक्टर है तो हम बाहर किसे ढूंढ रहे हैं। रणधीर कपूर ने अपने अंकल शशि कपूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था। इस तरह राज कपूर ने शशि को इस फिल्म में लिया। वैसे बाद में राज कपूर को शशि के साथ काम करने में थोड़ी परेशानी आई थी। दरअसल उन दिनों शशि कपूर बहुत बिजी थे, उनके पास बहुत काम था उस जमाने में। ऐसे में भाई राज कपूर की फिल्म के लिए डेट्स निकाल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। राज कपूर भी इस वजह से चिढ़ने लगे थे। राज कपूर शशि कपूर से तब और ज्यादा चिढ़ गए जब शशि जी ने उनसे कहा कि डेट्स के लिए मेरे सेक्रेटरी से बात कीजिए। एक्ट्रेस जीना तमान को जब पता चला कि राज कपूर अपनी नई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए हीरोइन तलाश रहे हैं, तो उन्होंने गाँव की लड़की के जैसा वेश धारण किया और राज कपूर से मिलने पहुंच गई। इस तरफ पहली ही नजर में जीनत राज कपूर की पसंद आ गई और राज कपूर ने उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया। बाद में राज कपूर और जीनत ने भी कुछ फिल्मों में संग एक्टिंग की थी। वैसे शशि कपूर चाहते थे कि ये रोल रेखा निभाए, उन्होंने राज कपूर से रेखा जी से बात करने को भी कहा था, लेकिन राज कपूर पूरा मन बना चुके थे कि वो जीनत अमान को ही कास्ट करेंगे। कहते हैं कि राजेश खन्ना तो सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन डिंपल कपाड़िया के इनकार करने की वजह से राज कपूर ने राजेश खन्ना को कास्ट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। राजेश खन्ना को जब पता चला कि राज कपूर ने शशि कपूर को साइन कर लिया है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बयान दिया कि ऋषि कपूर ने अपने पिता को फोर्स किया होगा कि वो राजेश खन्ना को साइन ना करें। इसके जवाब में ऋषि कपूर ने कहा था कि राज कपूर जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, उन्हें कोई नहीं बता सकता कि वो अब क्या करेंगे। मुकेश जी को जब पता चला कि राज कपूर ने उनके लिए इस फिल्म में कोई गीत नहीं रखा तो राज कपूर से मिले और उन्होंने राज कपूर से इस पर नाराजगी जताई। तब राज कपूर ने फिल्म मुकेश जी का भी गीत रखवाया। उस गीत के बोल थे चंचल शीतल, वो गीत आनंद बख्शी जी ने लिखा था। इस तरह आरके फिल्म्स के साथ ये मुकेश जी की आखिरी गीत साबित हुआ। वैसे मुकेश जी के पुत्र नितिन मुकेश ने भी इस फिल्म में एक गीत गाया था। उस गीत की कहानी ये है कि राज कपूर वो गीत भी मुकेश जी से ही गवाना चाहते थे। इंतजार हो रहा था बस उनके अमेरिका टूर से वापस लौटने का, लेकिन अमेरिका में मुकेश जी की मौत हो गई। तब वो गीत नितिन मुकेश जी ने गाया। इस गीत के बोल थे वो औरत है तू महबूबा। इस गीत में नितिन मुकेश जी ने लता जी के साथ जुगलबंदी की थी। तो दोस्तों, ये थी सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां कैसी लगी आप कमेंट में हमें बताइए। और दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए आप फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।